किसी तरह के बालनेस से जूझ रहे हैं। बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, लंबे तो हैं लेकिन मोटे नहीं हैं। चोटी नहीं बना पाते क्योंकि पतली चोटी अच्छी नहीं लगती। तो आप भी करना चाहते हैं अपनी चोटी को मोटी तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। मेरे बालों में जो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ 8 महीने का है। 8 महीने में मैंने कवर किया है, मेरी हेयरलाइन बहुत ही ज़्यादा पीछे जा चुकी थी। वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ लेकिन जब बालों की थिकनेस की बात आती है तो मैं इस टोनर और हेयर मास्क का इस्तेमाल करती हूँ जो कि मेरे बालों में थिकनेस लेके आता है, मेरे बालों को मोटा घना लंबा बनाता है। तो इसीलिए मैं आपके साथ में ये हेयर मास्क और टोनर शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ही जल्दी और फास्ट रिजल्ट देगा। अगर आप इससे भी ज़्यादा फास्ट रिजल्ट देखना चाहते हैं तो हेयर मास्क के एप्लीकेशन से पहले आप अपने स्कैल्प में डर्मा रोलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है डर्मा रोलिंग क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसका किस तरह से रिजल्ट आपको दिखेगा, तो आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मैंने आई वर्जन में दी हुई है। बहुत ही डिटेल वीडियो है और मैंने उसको करके भी दिखाया है कि किस तरह से आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। डर्मा रोलिंग को करने के बाद में अगर आप मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत जल्दी और इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच ब्राउन राइस। ब्राउन राइस इसलिए लिया है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत अच्छा होता है आपके बालों की हेयर ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। आप चाहें तो वाइट राइस भी ले सकते हैं, अगर ब्राउन राइस नहीं है तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने लिया है 2 चम्मच मेथी दाना जो आपको रीग्रोथ देता है, आपके बालों को मोटा घना लंबा बनाता है, आपके बालों में शाइन ऐड करता है, स्मूथ बनाता है, मैनेजेबल बनाता है क्योंकि मेथी में इतनी ताकत होती है आपके बालों को स्मूथनेस देने की। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे लेकिन उससे पहले हमें इसे एक बार वॉश करना है। मैंने ड्राई पुदीना लिया है, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं, ड्राई भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पुदीना लाने के बाद में ना बहुत जल्दी सूख जाता है तो उसे हम स्टोर करके रख सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सूख। गाइस इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, ये आपके बालों में इतनी जल्दी वर्क करके दिखाता है ना, इतनी जल्दी वर्क करना शुरू कर देता है, आपके बालनेस को क्योर करता है, आपके जो बाल पैचेस हो जाते हैं ना कंटिन्यूसली हेयर फॉल होते होते उसको क्योर करने लगता है, हेयर रीग्रोथ पे काम करने लगता है आपके। उसके बाद हमें इसमें 2 कप पानी ऐड करना है, रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद देखिए मॉर्निंग में आप देखेंगे कि पुदीना और मेथी और राइस फूल चुका है, नरम हो चुका है और इसकी सारी गुडनेस उस पानी में आ चुकी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस पानी को छान लेना है। उसके बाद में इस मास्क में भी हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, उससे पहले हम इसको साइड में रख देते हैं। सबसे पहले हमें इसे टोनर को बनाना है। टोनर को आप इसको छानने के बाद में आप किसी भी स्प्रे बॉटल में इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। इस पुदीना टोनर को आप कभी भी लगा सकते हैं अपने स्कैल्प में। आपको इसे अच्छे से अपने हेयर रूट पर लगाना है, सबसे पहले आपको कॉम करना है, उसके बाद में इसका एप्लीकेशन करना है। इसे आप ऑयली हेयर पर लगा सकते हैं, वॉश हेयर पर लगा सकते हैं। लगाने के बाद में आपको हेयर वॉश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिन में कितनी बार भी लगा सकते हैं क्योंकि ये सूख जाता है। इसको आप 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ख़राब नहीं होगा। अब चलते हैं हेयर मास्क को और इफेक्टिव बनाना। इसमें मैंने 2 से 3 आंवला ऐड किया है, मैंने रॉ आंवला लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं 2 चम्मच। उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, वही सेम पानी इसमें लेना है ताकि ये पेस्ट अच्छे से बन जाए। अच्छे से इसको पीस लेना है। मैं तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लेती हूँ, 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख लेती हूँ। जब भी लगाना होता है फ्रिज में से निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पर आने तक छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी हेयर एप्लीकेशन कर लेती हूँ। तो आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ज़्यादा बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ख़राब नहीं होगा। इसको आप अपने साफ सुथरे बालों पर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेक्शन वाइज अपने हेयर में एप्लीकेशन करनी है इसकी। एप्लीकेशन करने के बाद में इसको कम से कम आपको 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ना ही है और उसके बाद में इसका आपको शैम्पू नहीं करना, प्लेन वाटर से, नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। आपको पहले एप्लीकेशन में ही आपको अपने बाल हैवी फील होने लगेंगे, वीक में आपको 2 बार इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। इस मास्क को थोड़ा सा वॉश करने में दिक्कत आएगी क्योंकि जो मेथी है ना बहुत चिपचिपी होती है, आपके बालों में चिपक जाती है, तो आप घबराइए नहीं, आप जब नॉर्मल पानी से इसको वॉश करेंगे ना तो अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद में बालों को ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद में जब आप कॉम करेंगे तो ये मेथी आराम से आपके बालों से निकल जाता है। आपको 15 दिन में विजिबल रिजल्ट दिखेगा, आपके बालों में थिकनेस ऐड होगी, मोटे हो जाएंगे बाल, को रीग्रोथ भी होने लगेगी 15 दिन के अंदर अंदर। अगर आपको विजिबल रिजल्ट मिलते हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।